पिछले 25 फरवरी से शुरू हुए बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का समापन 31 मार्च को हो गया। हालांकि इस सत्र की शुरुआत 25 फरवरी को महामहिम राज्यपाल फागू चौहान के दोनों सदनों के यानी कि विधानमंडल के दोनों सदनों के संबोधन यानी कि अभिभाषण से शुरू हुई, जिसमें महामहिम राज्यपाल ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और आगामी वर्ष में यानी कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के कौन से कार्यक्रम होंगे इसकी विस्तृत चर्चा की। फिर 3 मार्च को विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगह बिहार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मामलों के प्रभारी मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश किया और इस दौरान राज्य सरकार ने कोई नए टैक्स नहीं लगाए। इस सत्र के दौरान सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के क्षेत्र में एक घटना पिछले 10 फरवरी को हुई, एक घटना को लेकर के सदन का माहौल काफ़ी गर्म रहा और एक दिन ऐसी नौबत आई कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आमने सामने दिखे। लेकिन इस सत्र के दौरान 10 विधेयक भी पास हुए, करीब 5460 सवाल पूछे गए थे जिसमें से 4693 स्वीकृत हुए और लगभग 100% सवालों का जवाब भी विभाग की ओर से दिया गया। सत्र के समापन के 2 दिन पहले यानी कि आज गुरुवार और बुधवार को AIM के सदस्यों को सदन के अंदर से मार्शल ने वॉकआउट किया, तो दूसरी तरफ अब आज यानी कि समापन के अंतिम दिन माले सदस्यों को भी मार्शल के द्वारा सदन से बाहर करना पड़ा। हालांकि इन दोनों की अलग अलग मांगें थी, लेकिन इस सत्र को लेकर के जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि सत्र का हंगामेदार होने की संभावना है, ठीक उसके विपरीत सदन की कार्यवाही अगर 2 दिनों की बात को छोड़ दें तो सदन की कार्यवाही पूरी तरह से बेहतर तरीके से चली और यही वजह रही कि समापन के अवसर पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सदन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के अलावे सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और यह उन्होंने दावा किया कि इस सदन ने अपना एक बेहतर कीर्तिमान बनाया है। हालांकि सदन में सबसे महत्वपूर्ण जो विधेयक पास हुए वो शराबबंदी कानून को लेकर के था, जिसमें संशोधन किए गए हैं और यह कह सकते हैं कि इस कानून में अब थोड़ी सी ढील दी गई है। 6 वर्षों के बाद इस शराबबंदी कानून में संशोधन से जहां वैसे तबकों को राहत मिली है जो जिनका आरोप था कि उन्हें बेवजह फंसाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ से राज्य सरकार ने दावा किया है कि इस कानून में संशोधन से अब बड़ी मछलियों के गर्दन पर कानून के हाथ पड़ेंगे और वैसी परिस्थिति में जो अवैध शराब कारोबारी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बजट सत्र का समापन हो गया है, अब देखना यह है कि इस सत्र के दौरान राज्य सरकार ने जितनी भी घोषणाएँ की है और जिन विधेयकों को पास किया है उस पर किस तरह से अमल कर पाती है। कैमरामैन सुनील के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।